मैं जो सेवैयाँ बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ सूजी से। इसमें आज है सिंजारा और कल है तीज। हरियाली तीज से एक दिन पहले मायके की तरफ से आशीर्वाद के रूप में जो सामान आता है उसे ही सिंजारा कहते हैं। फेस्टिवल चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे मैं बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करती हूँ। आज मैंने तीज की तैयारियाँ करनी है और मेरे पास आई थी एक सेवई बनाने की रिक्वेस्ट, तो आज के व्लॉग में मैं सेवैयाँ बनाकर भी दिखाऊंगी। यहाँ देखिए शुरू हो चुकी है मूसलाधार बारिश। मैं जो सेवैयाँ बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ सूजी से। इसके लिए आप मोटी वाली या बारीक वाली कोई भी सूजी ले सकते हैं। सेवैयाँ बनाने के लिए ये मैंने एक कप सूजी ली है। थोड़ा सा पानी लूँगी और जैसे आटे का डो लगाते हैं वैसे ही इसका एक डो लगा लूँगी। मैं सेवैयाँ दोनों ही तरीके से बनाती हूँ, हाथ से भी बना लेती हूँ और कभी कभी मैं मशीन से भी बना लेती हूँ। आज मैं आपको दोनों ही तरीके से सेवैयाँ बनाकर दिखाऊंगी। इसका हम सॉफ्ट डो लगाएंगे। डो लगाने के बाद 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे ताकि जो सूजी के दाने हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और ये मेरे पास है सेवैयाँ बनाने की मशीन। इसका जो मटेरियल है वो पीतल का है और ये मशीन काफ़ी अच्छे से काम करती है। इस मशीन के साथ तीन प्रकार की जालियाँ आती है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के होल बने होते हैं। मैं हमेशा बड़े वाले होल की जाली से ही सेवैयाँ निकालती हूँ। सबसे पहले मशीन के जितने भी अटैचमेंट हैं इन्हें हम जोड़ लेते हैं। इसके अंदर जाली फिट की जाती है और इसे डाला जाता है इसके अंदर। इसके नीचे इस जाली को अटैच कर दिया जाता है। ऊपर एक हैंडल होता है जिसे घुमाने से सेवैयाँ बाहर निकलती है। इसे भी मैं मशीन के साथ ही अटैच कर लेती हूँ और इस प्रकार से ये रेडी हो चुकी है सेवैयाँ निकालने के लिए मशीन। होल में आटा डाला जाता है और नीचे से सेवैयाँ निकाली जाती है। चलिए मैं आटे को चेक कर लेती हूँ। आटा देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा लेंगे देसी घी और आटे को एक बार फिर से सेट कर लेंगे। इससे आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि ये आटा सूखने ना पाए, इसलिए हमेशा इसे कवर करके रखें। सेवैयाँ बनाने के लिए थोड़ा सा आटा लेंगे, दोनों हथेलियों की सहायता से घुमाते हुए एक लंबी सी बाती बना लेंगे। एक हाथ के फिंगर से इसे पकड़ेंगे और दूसरे हाथ के फिंगर से इसे तोड़ते जाएंगे। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। इस प्रकार से हम हाथ से भी ढेर सारी सेवैयाँ बना सकते हैं। अब मैं मशीन से बनाकर दिखाती हूँ। इस होल में हम आटा डालेंगे और ऊपर से हैंडल घुमाएंगे। आटे को प्रेस करते हुए अंदर की ओर लेकर जाएंगे। इस मशीन को हम कहीं भी फिट करके सेवैयाँ बना सकते हैं। इस मशीन से भी बहुत ही इजीली और अच्छी सेवैयाँ बनाई जा सकती हैं। वैसे तो ये मशीन मैंने लोकल मार्केट से ली थी। यदि ऑनलाइन मुझे इसका लिंक मिला तो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो इस प्रकार से मशीन और हाथ दोनों से ही हम घर में अच्छी सेवैयाँ बना सकते हैं।
आज है सिंझारा और हमारे यहाँ सिंझारे के दिन ही सेवइयाँ बनाई जाती है। कल है तीज, तो देखते हैं तीज को मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, जितना मैंने सोचा है उतना मैं सेलिब्रेट कर पाती हूँ या नहीं। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।